Yes. Hello, students. We are continuing with our chapter friction, right? अब यहाँ पर types of frictions की बात होगी आज, right? वो हमने पहले एक दो उनके factors के बारे में बात की थी. आज हम कि ये जो types हैं, ये किस किस types के होते हैं, हम normal से start करते हैं. So we have a normal reaction force. ये normal reaction force क्या होता है, right? So if we are talking about normal reaction force, force applied that is exactly perpendicular to the surface. Actually, this is called the particular normal reaction, जो force applied हो रहा है. Force applied that is exactly perpendicular to the surface in contact is called normal reaction force. It is increased the frictional force. मतलब जो particular 90 degree पे perpendicular जा रहा है, वो हमारा normal reaction force है. Just keep remember about it. It's a very important thing. कि हम किस चीज को कर रहे हैं नॉर्मल पॉइंट पे, वो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो एक सिंपल हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाएगा. अगर हम बात करें स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की, सो व्हाट इज दिस, वी आर गोइंग टू टेल यू. अ पर्टिकुलर कोई भी चीज रखी गई है तो एक फोर्स तो उस पर एग्जैक्टली हर टाइम लग रहा है. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं. तो स्टैटिक फोर्स में फ्रिक्शन ड्यू टू द बॉडी एट रेस्ट विद द सरफेस इज कॉल्ड एज स्टैटिक फोर्स. जो पर्टिकुलर एट रेस्ट पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, दैट इज द स्टैटिक फोर्स. अब इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि स्टोन है. नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ को दिखाई दे रहा है, ऊपर सरफेस पे. यहां से फोर्स अप्लाइड हो रहा है. तो यू नो वेरी वेल कि जब हम फोर्स लगाते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पुल. अगर आप पुश कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हो. पुल कर रहे हो सॉरी पुश कर रहे हो तो आप उसके अपोजिट में जा रहे हो, यानी कि उसे अंदर की तरफ खोल रहे हो. पुल मतलब अपनी तरफ खींच रहे हो. एक होता है पिक इट अप, उस चीज को उठा रहे हो, है ना. सो दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इसके इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स. और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आई टोल्ड यू दैट कि वो सरफेस के नीचे की तरफ को है जो उसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. सो दैट इज दिस कॉल्ड स्टैटिक फोर्स. Just keep remember about it, right? If we are talking about kinetic friction, kinetic का मतलब आप जानते ही हो, जैसे kinetic force, I mean kinetic energy और एक potential energy होती है. Potential energy मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है. Kinetic energy मतलब जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ running condition में है, जो चीज़ motion में है. That is we can say that it is in kinetic friction, right? So that is kinetic friction. The friction comes into play when object are in motion is called kinetic friction. अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो चीज़ motion में है, चल रही है. अब मैंने आपको बात की थी surface की, अगर वो ढलान की तरफ को जा रही है तो वो kinetic में आ रही है, तो it means कि वो running position में है. So that is the kinetic what? Friction. ठीक है. अगर आपने ये भी देखा होगा कि particular आपने force से ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंक की और वहां पर ढलान बैठी हुई है, तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे भी आएगी ड्यू टू द फ्रिक्शन, राइट? सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन. कई बार हम स्लाइडिंग देखते हैं, कई बार हम रोलिंग देखते हैं. आपने देखा होगा कई जगह पे सरफेस पे हम स्लाइड करते हैं, स्लाइड करती हुई जाती है, राइट? बर्फ पे देखा होगा स्लाइडिंग, तो वो भी वो क्या हो रहा है, सरफेस के स्मूथ सरफेस है तो स्लाइडिंग करनी बहुत आसान हो रही है. रोलिंग, अगर मैं आपने देखा होगा ट्रक से जो माल लोड हो रहा होता है या माल उसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो एक रोलिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है. रोलिंग करने से क्या होता है कि वो रोल करता करता क्या होता है, फोर्स कम अप्लाई होता है और वो क्या होता है, अपने अपने एक सरफेस के हिसाब से एक डिस्टेंस को कवर होके एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर क्या वो पहुँच जाता है. सो दैट इज ये काइनेटिक में वो रनिंग पोजिशन पर होते हुए स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग जाता है. कई बार तो ऐसा भी होगा ढलान है तो वहां ढलान के अकॉर्डिंग वो भी सरफेस में जाकर पर्टिकुलर हम देख सकते हैं कि उस फ्रिक्शन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, आपने फ्रिक्शन में अभी इनके टाइप्स के बारे में देखा, नॉर्मल रिएक्शन, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स के, राइट? यू जस्ट नोट डाउन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी जैसे जैसे आपके नोट्स होते जाएंगे, फिर इसके बाद हम वैसे ही इन सबको पर्टिकुलर इन जो एनसीईआरटी हमारे क्वेश्चन आंसर है, हम इनको करेंगे. इसीलिए इन टॉपिक्स को ध्यान से समझिए. इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू वेरी मच.